तो भैया अगर आप भी अपने लिए एक बेस्ट बूट स्पेस वाली गाड़ी देख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि अच्छा बूट स्पेस मिल जाए, तो XUV 3XO में आपको लगभग 386 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा आप अपना सामान रख सकते हैं, लगेज रख सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं। तो XUV 3XO के बारे में हम आपको बताते हैं और क्या क्या इसमें खास मिल जाता है। सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रियोरिटी, तो आज हम सेफ्टी की ही बात कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने खड़ा है MX3 मॉडल, इसमें आपको AX से लेकर MX तक वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही और AX7 जो है इसका टॉप वेरिएंट होने वाला है। सेफ्टी की बात कर लें तो ABS, EBD, ब्रेक असिस्टेंट, 2 एयरबैग वगैरह सारी ही चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जो चाबी है वो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, तो कुछ इस तरीके से इसकी चाबियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। दो चाबी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। फ्रंट में क्या क्या मिल जाता है, तो फ्रंट का हम जब आपको प्रोफाइल दिखाते हैं तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर लाइट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। AHO के साथ DRLs देखने के लिए मिल जाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा एकदम प्रीमियम आपको देखने पर लगेंगे। यहाँ पर जो इसकी DRLs हैं वो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होने वाली है। साथ में ये जो ब्लैक कलर का है ये ब्लैंक होने वाला है MX वाले वेरियंट में। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, ये केवल डिज़ाइन के लिए ब्लैंक लगा है। और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं ये जो वेरिएंट है इसमें जो ग्रिल है वो ब्लैक कलर वेरिएंट है। जो ग्रिल है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होने वाली क्रोम डिजाइन में। साथ में यहां पर लुक्स आप देख सकते हैं साथियों, एक बार हम आपको पूरा ही साइड का प्रोफाइल दिखा देते हैं। तो जब आप इसको साइड से देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ ज्यादा फर्क इसमें देखने को नहीं मिलेगा पुरानी वाली XUV के वेरियंट के कंपेरिजन में। साथ में यहां पर हम आपको ORBM वगैरह दिखा देते हैं, तो कुछ इस तरीके से ORBM होने वाले हैं। 205/65 और 16 इंची का यहां पर आपको टायर देखने के लिए मिल जाएगा। खास चीज ये है जो फ्रंट का और यहां पर रियर का टायर है दोनों में ही आपको डिस्क की प्लेट यानी वेंटिलेटेड डिस्क होने वाले हैं। और यहाँ पर रिम व्हील के साथ आते हैं, यहाँ पर 42 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा। राइडिंग की रेंज होने वाली लगभग 865 किलोमीटर। यहाँ पर 20 KMPL का माइलेज देती है ये डीजल में और 19 KMPL का पेट्रोल में। LED लाइट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ये XUV 3XO की यहाँ पर बैचिंग है। पार्किंग के सेंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। कैमरा और वाइपर यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इसके MX3 वेरियंट में। और इसकी हम कीमतों की बात कर लें MX3 की, तो यहाँ पर साथियों यार जो इसकी कीमत है वो लगभग 13 लाख होने वाली है ऑन रोड, और जो इसका पेट्रोल वेरिएंट है उसकी इससे 2 लाख रुपए कम हो जाती है कीमत ऑन रोड, तो वो आपको शोरूम पर जाकर ही पता चलेगा। यहाँ पर आप क्वालिटी देख सकते हैं, जो सस्पेंशन की क्वालिटी वो भी बढ़िया है। आइए इसका इंटीरियर देखते हैं, यहाँ से खोल लेते हैं इसका लॉक और अंदर देखिए। यहाँ पर ट्रिपल टोन इंटीरियर के साथ ही आती है, साथ में यहाँ पर स्टेयरिंग और कंट्रोलिंग काफ़ी बढ़िया होने वाली। ABS, EBD, ब्रेक असिस्टेंट, हिल प्रोग्राम वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। जो इसका क्लस्टर है वो यहाँ पर डिजिटली और यहाँ पर आपको एनालॉग एक क्लस्टर देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें बताया क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर बता देगा, यहाँ पर आपको 2 ट्रिप मीटर बता देगा और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डोर एग्जॉस्ट वार्निंग यहाँ पर बता रहा है। साथ में यहाँ पर 180 तक की इसकी टॉप स्पीड चली जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सारी ही इन्फॉर्मेशन है। फिर चाहे इंजन चेक की बात कर लें, यहाँ पर आपको एयरबैग की बात कर लें, या फिर डिस्टेंस टू इम्पिटी, लो फ्यूल वार्निंग, डोर एग्जॉस्ट वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस के साथ गियर शिफ्ट इंडिकेटर, सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी। एयरबैग हैं और यहाँ से स्टेयरिंग माउंटेड की हैं, और साथ में इसमें आपको सनरूफ भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर केबिन की लाइट है और कुछ इस तरीके से इसका सनरूफ भी ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये MX3 वेरियंट में आपको सनरूफ की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाएगी साथियों। वहीं इसके अगर हम इंजन की बात कर लें तो यहाँ पर लगा है एक 1500 CC का 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन, जो 115 BHP की पावर, 300 Nm का टॉर्क देगा। फ्रंट व्हील ड्राइव है, 6 ट्रांसमिशन। साउंड सुनिए एक बार इंजन का आप। तो ये एक टर्बो चार्ज इंजन होने वाला है, ऐसा नहीं है कि इसका साउंड आपको कैबिन के अंदर तक सुनाई दे। कैबिन के अंदर ये काफ़ी साइलेंट होता है और यहाँ पर भी अभी चालू है गाड़ी, लेकिन किसी भी तरीके का नॉइस हमें कैबिन के अंदर सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी, और यहाँ पर आपको एक 8 इंचज का इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा। 6 ट्रांसमिशन है और आर्मरेस्ट के अंदर भी थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर है। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लव बॉक्स है, वो कूलिंग नहीं होने वाला है। ट्रिपल टोन कलर के इंटीरियर के साथ आती है, क्रीम इस कलर, वाइट कलर और ग्रे कलर। यहाँ पर देखिए 4 पावर विंडो के स्विच हैं। ORBM एडजस्टेबल है, फोल्डेबल यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होने वाली है, पावर स्टार्ट है। और साथ में यहाँ पर हम आपको दिखा दें जो सीट है वो कैसी होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए सीट आपकी आगे पीछे भी हो जाएंगी, यहाँ पर ऊपर नीचे भी हो जाएंगी, और कुछ इस तरीके से जो है वो इंटीरियर होने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है इंटीरियर इसका, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। कंट्रोलिंग बढ़िया होने वाली है, हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे और सीट की कुशनिंग भी बढ़िया होने वाली है। पेडल्स आप देख सकते हैं
यहाँ पर जो सीट है वो ऊपर नीचे भी हो जाएगी, आगे पीछे भी हो जाएगी। पेडल्स को जिस तरीके से आपको देखने के लिए इसके मिल जाएंगे, कैबिन में स्पेस भी अच्छा खासा देखने के लिए इसमें आपको मिल जाएगा। साथ में गेट भी आपको डबल टोन इंटीरियर कलर के साथ देखने के लिए मिलेगा। और रियर का स्पेस एक बार हम आपको खोल के दिखा देते हैं। तो यहाँ से ये सीट है, ये सिंगल सिंगल डबल सीट जो है वो इस तरीके से आपकी फोल्ड हो जाएंगी। एक सिंगल सीट, एक डबल सीट, दो सीटें ये फोल्ड हो जाएंगी। और केबिन का स्पेस जो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने पर मिलेगा। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर केबिन की लाइट है और नीचे का जो स्पेस है वो भी अच्छा खासा है। यहाँ पर लेग रूम बढ़िया होने वाला है। यहाँ पर एसी के वेंट्स हैं, चार्जिंग का सॉकेट है, टाइप सी चार्जिंग का सॉकेट है, दोनों ही चार्जिंग के सॉकेट हैं। और पीछे से देखने पर जो इसका फ्रंट है वो कुछ इस तरीके से लगता है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, प्रीमियम लगता है। और साथ में रियर का डोर आप देख सकते हैं, बॉटल होल्डर वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा और साउंड वगैरह भी डोर्स में लगे हैं। तो ये चीज़ है, म्यूज़िक सिस्टम है, साउंड है, एलॉय व्हील देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको व्हील कैप्स देखने के लिए मिलेंगे। साथ में जो लुक्स है बढ़िया है, लेकिन जो खास चीज़ है वो सेफ्टी के लिए जानी जाती है महिंद्रा की गाड़ी, तो इसमें आपको NCAP में बढ़िया रेटिंग मिल जाती है 5 स्टार। तो ये चीज़ इसलिए भी ये गाड़ी काफ़ी खास हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो आपको पुरानी XUV से कुछ ज़्यादा फ़र्क समझ में नहीं आएगा। ये इसका ब्लैक एडिशन है और साथ में फ्रंट से देखने पर आपको जो फ़र्क है वो समझ में आएगा। फ्रंट से सारी ही चीज़ें चेंज हैं, फ्रंट की DRL, लाइट्स, यानी कि जो लुक्स है वो फ्रंट से चेंज कर दिया है। डायमेंशन वगैरह सेम है। यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 189 mm के करीब होने वाला है इस गाड़ी का, तो सड़कों से भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, प्राइस भी इसका रीजनेबल होने वाला है। प्राइस और गाड़ियों से अगर इसको हम कंपैरिजन करें, चाहे हम क्रेटा से कंपैरिजन करें या फिर इसको हम करें किया सेल्टोस से कंपैरिजन, तो उसके कंपैरिजन में इसकी प्राइस थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, लेकिन टाटा की नेक्सॉन से प्राइस इसकी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि हम कौन सी गाड़ी लें। खैर क्या आपका क्या कहना है इस गाड़ी को लेकर कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।